नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। अर्पिता खान शर्मा ने अपने घर को बेच दिया, वो घर जो कि उनके भाई सलमान खान ने उन्हें शादी के दौरान गिफ्ट किया था, वो घर जहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हुए, चाहे वो अरबाज की शादी हो या फिर कोई पूजा हो। गणपति पूजा के दौरान भी मीडिया कर्मचारी जो थे, कई सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर इकट्ठा होते थे और सब एक साथ उस चीज़ को एंजॉय भी करते थे। लेकिन अब अर्पिता ने वो घर बेच दिया है, क्या धमकियों की वजह से ये फैसला किया गया? चलिए बताएं कि आपको, वेल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुँचे जल्द से जल्द। अर्पिता खान शर्मा ने घर को बेच दिया, ये चीज़ें लोगों को काफ़ी चौंकाने वाली लगी, स्पेशली तब जब सलमान खान को धमकियां मिल रही हैं, जब सलीम खान साहब का जो इंटरव्यू है वो वायरल हो गया है, जिसमें उनकी आंखों में और उनकी बातों में दहशत साफ तौर पर नजर आती है। अर्पिता ने इस घर को 22 करोड़ में बेचा है और नया घर भी ले लिया है। ये घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था और गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां भी चल चुकी हैं। सलीम खान साहब ये भी कह चुके हैं कि बालकनी में जाने पर भी पाबंदियां लगी हुई है पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती है किसी तरह का रिस्क लेना, इसीलिए उनकी हिफाजत के लिए ही ये पाबंदियां लगी है। और गैलेक्सी से 5 मिनट की दूरी पर अर्पिता का घर है, जो कि उनके भाई सलमान खान ने उन्हें शादी के दौरान गिफ्ट में दिया था। आज वो उस घर को 22 करोड़ में बेच चुकी है और नया घर भी ले चुकी है, जो कि गैलेक्सी से अच्छा खासा दूरी पर है। तो माना जा रहा है कि धमकियों की वजह से उन्होंने शायद ये फैसला लिया है। अर्पिता के छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद वो नहीं चाहती है कि इन चीज़ों की आँच उनके बच्चों पर भी आए। शायद बच्चों की वजह से ही उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, वरना शादी के इतने सालों तक अर्पिता गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास रहती रही, परिवार के पास रहती रही, लेकिन आज मजबूरी के तहत शायद अर्पिता को ये घर बदलना पड़ा है। आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।